इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि VN एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको इस तरीके से इशू आता है, ओरिजिनल मीडिया वाज लॉस्ट रिप्लेस, इस तरीके से आपको दिखाई देता है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब आपको इस तरीके से इशू आता है ओरिजिनल मीडिया वाज लॉस्ट व्लॉग नाउ के अंदर, तो उसके अंदर जब आप इसको डालते हैं तो आपकी जो वीडियो रहती है जो आप डालते हैं वो आप जो है डिलीट कर चुके हैं या उसकी कॉपी है, तब ये आपको दिखाई दे रही है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो अब इस इशू को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि देखिए गाइस, ऐसा होता है कि कभी कभी फाइल्स हम डिलीट कर देते हैं एंड उसके क्लोन्स वगैरह या कुछ पार्टिकल्स या कुछ कॉपी वो वहाँ पर शो करती रहती हैं। तो अब उन्हें यहाँ पर या तो वो ख़त्म हो जाएंगी, शो करनी बंद कर जाएंगी, या फिर ये जो है उससे आपको अगर होगी तो दिखा देगा। क्योंकि ऐसा होता है गाइस कि हम किसी वीडियो को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में डालते हैं तो तब भी ये इशू आ जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं किया जाते, और आप कॉपी करके वहाँ से उस जगह से मतलब कि हटा देते हैं उसको, तब ये ज़्यादा दिक्कत आती है। चाहे उसमें डिलीट कर दीजिए, चाहे उसमें मूव कर दीजिए, चाहे उसमें कुछ भी कर दीजिए, ये इशू आ जाता है। तो फिर आपको करना क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है आपको ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है, और फिर यहाँ से आपको VN को सर्च कर देना है। ठीक है, VN वीडियो एडिटर। तो यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर मीडिया की जो परमिशन है उसको अलाउ कर दीजिएगा, एंड अब आप यहाँ पर इनवैलिड चीज़ें आपको शो हो रही हैं जो डिलीट कर चुके हैं या फिर डिलीट हुई भी चीज़ें, तो उसमें आप यहाँ पर डेटा क्लियर मार सकते हैं एंड आपका जो आपका डेटा होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा फिर। ठीक है, आपकी जो शो नहीं कर रही होंगी, गलत वीडियो शो कर रही होंगी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बैक ला दीजिए एंड अपने प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ पर VN को सर्च करिए। VN के अंदर अगर आपको अपडेट दिखाई देता है तो अपडेट कर लीजिए, एंड अपडेट करने के बाद आपकी जो अगर रियली में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी VN के अंदर तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो इतनी सी प्रॉब्लम रहती है और इतना सा सोल्यूशन रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।